नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, सुधीर गुप्ता जो कि एम्स के डॉक्टर हैं, उन्होंने जो सुशांत सिंह राजपूत की रिपोर्ट बनाई थी उसको लेकर एक बड़ा खुलासा हो चुका है। जी हाँ, एक ऑडियो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि लीक हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने बयान से यू टर्न ले लिया था और उन्होंने जहाँ पहले ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो कुछ भी हुआ वो किसी न किसी द्वारा किया गया है, लेकिन अब फाइनली जो एम्स की रिपोर्ट तैयार की गई है उसमें इन्होंने पूरी तरह से यू टर्न लिया है। और ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और किसने इस डॉक्टर के ऊपर दबाव डाला, या फिर किसने इस सुधीर गुप्ता को पैसे दिए कि उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों को छुपाने की कोशिश की है। अब सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि इस तरह से अगर कोई बड़ा डॉक्टर अचानक से ही यू टर्न ले लेता है तो उसके ऊपर सवाल तो खड़े होंगे ही। और ठीक इसी तरह से सुधीर गुप्ता के ऊपर भी अब सवाल खड़े होने लग गए हैं और तमाम मीडिया, तमाम पब्लिक और साथ ही साथ तमाम देश के नेता ये कह रहे हैं कि अब सुधीर गुप्ता के ऊपर भी कार्रवाई होगी। ऐसा पहली बार नहीं है कि जब एम्स की रिपोर्ट गलत हुई है, इससे पहले भी कई बार देखा गया है कि एम्स की रिपोर्ट गलत साबित हुई है और साथ ही साथ डॉक्टरों के ऊपर कई बार इससे पहले भी दबाव डाला गया है। तो ठीक ऐसा एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के केस में हो सकता है। और अगर ऐसा होता है और अगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में एम्स के डॉक्टरों ने झूठी रिपोर्ट तैयार की है किसी भी तरह से, तो यकीन मानिए कि सुधीर गुप्ता की जो डॉक्टरी है वो पूरी तरह से छूट जाएगी और इसके साथ ही उनको जेल की सजा भी खानी पड़ सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसने डॉक्टर सुधीर गुप्ता पर दबाव डाला होगा, क्योंकि कोई भी डॉक्टर इस तरह से जब बयान देता है कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो भी बड़ी घटना घटित हुई उसको किसी ने अंजाम दिया है और बेहद ही सोची समझी साजिश के दौरान इस तरह की सुशांत के साथ घटना की गई है, ये खुद कहना था सुधीर गुप्ता का लगभग 4 महीने जब सुशांत सिंह राजपूत के साथ ये बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। लेकिन आज के टाइम पर डॉक्टर ने जो रिपोर्ट तैयार की है वो तो बिल्कुल कुछ और ही कह रही है। वो कह रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने ये सब कुछ खुद अपने आप किया है और सुशांत सिंह राजपूत आज अगर इस दुनिया में नहीं है तो उसके पीछे जो मेन वजह है वो खुद सुशांत है, उन्होंने खुद जानबूझ करके अपने आप को मारा। अब बड़ी बात यह है कि किस तरह से इस डॉक्टर ने यू टर्न लिया और आखिर क्यों लिया। और इतना ही नहीं, बता दें कि अब इस केस में बड़े से बड़े नेता भी हस्तक्षेप कर रहे हैं। जहां एक तरफ अभी शिवसेना के उद्धव ठाकरे लगातार हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे थे, तो वहीं सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और वहीं अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस केस में हस्तक्षेप करते हुए नजर आ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री का कहना है कि बहुत जल्द सुशांत केस में हम न्याय दिलवा कर रहेंगे और ये केस बहुत ज्यादा लंबा खींच चुका है, हम कोशिश करेंगे कि इस केस को और ज्यादा लंबा ना खींचने दिया जाए। इसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने सीबीआई को भी निर्देश जारी किए हैं और उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द इस केस की बारीकी से जांच की जाए और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द जनता के सामने दूध का दूध और पानी का पानी होना ही चाहिए और पता चलना चाहिए कि आखिर वो कौन कौन से लोग हैं जो कि लगातार सुशांत सिंह राजपूत के कातिलों से मिले हुए हैं, और अगर उनका खुलासा होता है तो सीधे उनको बड़ी से बड़ी जेल की सजा होनी चाहिए। तो आने वाले दिनों में दोस्तों, जिस तरह से अभी रिया चक्रवर्ती एनसीबी के चंगुल में फंस चुकी है, तो वहीं सुधीर गुप्ता को भी आप देखेंगे कि ये सीबीआई के चंगुल में बहुत जल्द फंसने वाला है, क्योंकि सुधीर गुप्ता जिस तरह की रिपोर्ट तैयार करके लेकर आया है इससे सीबीआई को भी अब सुधीर गुप्ता पर शक होने लग गया है। और सीबीआई ने तुरंत ही इस रिपोर्ट को देखते हुए एक बड़ा बयान दिया और सीबीआई का कहना है कि हम बहुत जल्द इस रिपोर्ट की तो जांच करेंगे ही, साथ ही साथ उन तमाम रिपोर्ट्स की भी जांच करेंगे जो कि सुधीर गुप्ता के द्वारा पहले बनाई गई है। तो मतलब साफ है कि सुधीर गुप्ता के ऊपर हर किसी का डाउट हो रहा है और हर किसी को लग रहा है कि सुधीर गुप्ता ने अपने बयान से आखिर यू टर्न क्यों लिया। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि आखिर सुधीर गुप्ता के ऊपर वो कौन से लोग हैं जिन्होंने दबाव डाला होगा या फिर सुधीर गुप्ता को पैसे दिया होगा। क्या इसमें रिया चक्रवर्ती का हाथ है या फिर शिवसेना का हाथ है या फिर किसी और बड़े नेता का हाथ है जिसने इस तरह से सुधीर गुप्ता को अपने बयान से पलटी मारने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, सवाल तो खड़े होंगे ही, क्योंकि इतने बड़े डॉक्टर ने यू टर्न लिया है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि आपका कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही आप हमारी इस वीडियो को लाइक करके कम से कम 5 लोगों के साथ तो जरूर शेयर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। साथ ही आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।